जैसे ही पीछे से ये बैकग्राउंड हटा, साथ में जो चीजें रखी गई उससे समझ में आ गया कि अब सुर नहीं है, लेकिन इन शब्दों में भी सुर कम नहीं है। ऐसा ही कुछ होने वाला है। आशुतोष राणा, मीनाक्षी ने कहा, एक एक्टर हैं जो हमारे बीच आ रहे हैं, लेकिन उससे कुछ कदम आगे मैं कहूंगी साहित्य के मंच पर चुकी हैं, तो ये कवि भी हैं, ये लेखक भी हैं, ये नए दौर के हैं, और ये बताएंगे कि हमारे नए दौर का जो हिंदुस्तान हम कह रहे हैं, उस हिंदुस्तान में हिंदी का मतलब क्या है। सबसे पहले तो श्वेता, आपको और आपके माध्यम से जो आपका पूरा आज तक ग्रुप है, इनको मैं बधाई इसलिए देता हूं कि अक्सर क्या होता है कि जितने भी समाचार चैनल होते हैं, इनके ऊपर आप समाचारों की आवाजाही देखते रहते हैं, लेकिन ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब कोई समाचार चैनल विचार से जुड़ गया हो और वो विचार चैनल हो गया हो, तो निश्चित रूप से आज तक आज समाचार नहीं है, आज तक एक विचार के रूप में बढ़ गया है। और जैसा कि मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है, अगर कोई चीज है जो अक्षर है, जिसका शरण नहीं होता, तो वो होता है मात्र विचार। तो ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं आज तक को कि आप समाचार से अब आज विचार की प्रतिष्ठा प्राप्त अगर आपने की है, तो आप विचार के जैसे चिरंजीवी हों, आयुष्मान भव। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने एक बात की कि मैं अभी सुन रहा था, बड़ा अद्भुत आज तक के ऊपर ये जो आपने तालमेल बिठाया, और मुझे लगा कि इसको आपने साहित्य महाकुंभ नाम दिया है। और विश्वास कीजिए, आज कुंभ की परिभाषा मुझे आज समझ में आई। लोगों का अक्सर ऐसा सोचना है कि कुंभ में आप बिछड़ जाते हैं, ऐसा है ना, लेकिन आज मुझे कुंभ की एक नई परिभाषा बैठे बैठे समझ में आई कि जहां पर कुंभ वो होता है जहां आप अपनों से बिछड़ते हैं लेकिन आप अपने से मिल जाते हैं। तो साहित्य महाकुंभ में आज तक ने अपनों से बिछड़कर, कि मैं मतलब रेणुका जी और बच्चों से बिछड़कर, आज अपने आप से मिल गया हूं आपके इस मंच पर, तो ये बहुत बहुत, क्योंकि जब आप अपने आप से मिल जाते हैं तो फिर आप अपनों से वापस जुड़ जाते हैं और जीवन पर्यंत जुड़े रहते हैं, तो बहुत बहुत अभिनंदन। दूसरी चीज, आपने बात करी अभी हमसे कि साहित्य, जो मुझे यहीं बैठे बैठे मुझे लगा कि शब्दकोश और साहित्य, इन दोनों में ही शब्दों के अर्थ होते हैं, लेकिन क्या वजह है कि शब्दकोश के रचयिता का नाम हमें याद नहीं रहता, लेकिन साहित्यकारों के नाम जब तक हम रहते हैं तब तक हमारे स्मृति पटल पर रहते हैं। उसकी वजह ये नजर आई कि शब्दकोश में शब्दों के अर्थ होते हैं लेकिन साहित्य में शब्दों के भाव होते हैं। तो साहित्य जो है वो कहीं ना कहीं भावों का संवाहक है, और मेरे लिए भाषा, जिसे आपने हिंदी कहा, तो मेरे लिए भाषा कभी विवाद का विषय नहीं रही, भाषा हमेशा संवाद का कारण रही है। और मेरा ये मानना है कि दुनिया के तमाम विवादों को अगर आपको हल करना है तो संवाद का सेतु स्थापित कर लीजिए, आप पाएंगे कि वो विवाद जो है संवाद में परिणित होकर कहीं ना कहीं हमारा और आपका संवर्धन करने लगेंगे। सम्मिलित करने और विवाद में न पड़ने की जैसे आपने बात की, तो मंच पे इससे पहले जो चार लोग थे जिनमें से दो को हम कहेंगे फिर भी एक ही प्रांत को का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन एक पंजाब, एक गुजरात, एक उत्तर प्रदेश और बोली बिहार की भी, तो उसके बीच साहित्य का मंच किस तरीके से सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि वो लोक, वो स्थानीय भाषाएं, वो सारा कुछ है। और इसीलिए मैं यहां पर अपने इस जिस पर हम विमर्श कर रहे हैं हिंदुस्तान पर, कि वो हिंदी क्या है, क्या वो हिंदी उर्दू से मुक्त है, क्या वो हिंदी अंग्रेजी के शब्दों को खुद में स्वीकार कर सकता है, या फिर ये हिंदी एक शुद्ध क्लिष्ट हिंदी है। देखिए, मेरा मानना यह है कि एक होती है धन की भाषा और एक होती है मन की भाषा। तो हिंदी जो है वो हमारे मन की भाषा है, और अगर हमारा मन स्वतंत्र रहता है और अगर हमारा मन समृद्ध रहता है तो विश्वास कीजिए दुनिया के जितने भी मानचित्र होते हैं वहां पर आप प्रतिष्ठित रहते हैं। अभी मैंने एक हिंदी के लिए एक कविता लिखी थी कि अंग्रेजी जो केवल धन की भाषा बोल सकती थी, रखी बाजार में वस्तु का केवल मोल करती थी, जुड़ी वो काम से इसलिए बनी वो मान की भाषा,
बनी वो आज पूरे विश्व के अभिमान की भाषा। और हिंदी, हिंदी क्या थी कि हिंदी थी जो मन के बंद ताले खोल सकती थी, हमारी आत्मा और ज्ञान का पथ बोल सकती थी। बना के राज की भाषा, बहुत अच्छा किया तुमने, हटा के काज से इसको बहुत गच्चा दिया तुमने। और बना ले फिर से हम इसको व्यापार की भाषा, बना ले फिर से हम इसको घर परिवार की भाषा, बना ले फिर से हम इसको अपने प्यार की भाषा। क्यों? कि अगर हम चाहते हैं हो कदर हिंदी की पग पग पर, उठो जागो करो हुंकार, पहुंचा दो इसे न पर, अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते, अगर भाषा मरी तो तुम भी प्यारे बच नहीं सकते। भले ही हो करोड़ों गुण, तुम कुछ रच नहीं सकते, महज भाषा नहीं ये माँ हमारी हमको रचती है। हिंदी क्या है? महज भाषा नहीं ये माँ हमारी हमको रचती है, बचेगी लाज जब इसकी हमारी लाज बचती है, और छोड़ा घर इसे तुमने तो तुम भी छूट जाओगे। ध्यान रहे, छोड़ा घर इसे तुमने तो तुम भी छूट जाओगे, और दुनिया नहीं तुम खुद ही खुद से रूठ जाओगे। तो क्या करें कि उठो जागो करो स्वीकार इसको, प्यार दो इसको, तुम्हारे मान का सम्मान का संसार दो इसको, फिर तुम नहीं ये सारी धरती डोल जाएगी, और तुम्हारे कर्म की गाथा ये सदियों तक सुनाएगी, कहेगी ये हमारे अन्नदाता ज्ञानदाता हैं, कहेगी ये हमारे मान और अभिमान दाता हैं, कहेगी ये हमारे क्लेश दुख और कष्ट भक्षक हैं, कहेगी ये हमारे धर्म गुरु और धर्म रक्षक हैं। तो ये मेरे लिए हिंदी है श्वेता। मुझे लगता है यही सबके लिए हिंदी है जी, एक ऐसी बोली जिसे आपने माँ कहा है जी, और ये माँ जो सबको अपने आंचल में समेट के रखती है जी, और उसी तरीके से हम सब एक साथ, और ये हमारा हिंदुस्तान कहें हिंदुस्तान कहें उसी से जुड़ता है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प चीज है, वो ये कि साहित्य आज सोशल मीडिया के जरिए भी जिंदा रहना शुरू हो गया है। आपने भी जो आप जो कविताएं लिखते हैं, जो लेख लिखते हैं जी, वो अगर किसी को पढ़ना हो तो फेसबुक पर जाकर ही आपका पढ़ सकता है, उसके लिए किताबों की आवश्यकता नहीं रह गई। ये फायदा है भाषा का। देखिए क्या होता है कि जिसे हम फेसबुक पे देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं वो विचार होते हैं, और विचार और साहित्य में बड़ा बारीक अंतर होता है, लेकिन ये एक दूसरे से गड्ढमड्ड नजर आते हैं। इसलिए हम जो साहित्य, जिनको हम साहित्यकारों की श्रेणी में रख देते हैं, हम जैसे लोगों को, वो मूलतः कुछ विचार होते हैं या विचारों का पुलिंदा होता है जिन्हें, और लेकिन साहित्यकार क्या होता है? साहित्यकार जो होता है कि जब किसी कथा में हमारी व्यथा का शमन करने की ताकत हो, तब कहीं वो साहित्य की श्रेणी में आता है। और हम और आप तो अपने वचनों से कहीं ना कहीं प्रताड़ना की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि हमारे वचनों में वो ताकत नहीं होती। तो एक पक्ष होता है, एक विचार होता है, एक नजरिया होता है जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से रख देते हैं। एक सोशल मीडिया के ऊपर मैं इसको हल्के फुल्के, क्योंकि संगीत की बात है ना, तो एक लेख, एक व्यंग मैंने लिखा था सोशल मीडिया के ऊपर। मेरी एक मुलाकात एक सज्जन से हो गई, और ऐसे कई सारे सज्जनों से मेरी मुलाकात हुई। तो एक दिन ये कलम से ये निकला कि सुबह घर से निकला ही था कि एक सज्जन से मुलाकात हो गई, वो मिलते ही वो मुझ पर चढ़ गए कि आज देश को क्रांति की जरूरत है, देश में आंदोलन चल रहा है बदलाव के लिए, और आप एक्टिव नहीं है, चुप है। नहीं चुप क्यों नहीं होंगे, पेट जो भरा है आपका, बड़ी गाड़ियों में घूमते, लांच है आपके इस बड़े फोन पर जिसे लेके आप घूमते रहते हैं, एसी से निकलकर एसी में बैठने वालों ने इस देश की ऐसी तैसी कर रखी है। मैंने कहा भाई साहब हुआ क्या? बोले चुप रहिए आप, देश की जमीनी हकीकत के बारे में पता भी आपको? किसान मर रहा है, महंगाई बढ़ गई, दिनदहाड़े रेप हो जाते हैं, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, सड़क बिजली पानी, इंडिया गेट से लेकर कोल गेट तक, और विज्ञापन से लेकर व्यापन तक कितनी समस्याएं आएंगे ना आपको, सांसें खत्म हो जाएंगी पर समस्याएं खत्म नहीं होंगी। पर आपको क्या, आप तो बस अपना ये स्मार्टफोन लेकर घूमते रहो, लानत है आपके इस फोन पर। एक तरफ हम लोग हैं जो प्राणपण से बदलाव के लिए जुटे हुए हैं, हम अपने परिवारों से कट गए, बीवी बच्चों की तरफ देखते भी नहीं है, पर हमें इसकी परवाह नहीं है। हमारे कारण ही आप मंगल पे पहुंच गए, और वहां पे पानी भी मिल गया। आप जैसों के भरोसे रहते तो घर में भी पानी ना मिलता। नहीं आपने कभी सोचा है
आपने कभी सोचा कि आपके इस मंगल के चक्कर में हमारी जिंदगी मंगल हो गई? पर आप तो सोचने लगे, आप तो बस अपना ये बड़ा सा फोन लेके घूमिए। बैठे ठाले बदलाव नहीं आता, बदलाव के लिए कुछ करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती, परिवार की समय देना पड़ता है, पर आप तो एक्टिव होने से रहे, मजे से अपने इस बड़े फोन को लेकर घूमिए। मैं शर्मिंदगी से गड़ गया और लगभग फुसफुसाते हुए कहा कि भाई साहब, आप जिस बदलाव की बात कर रहे हैं वो मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सब पहले जैसा ही तो है। वे भड़क गए, बोले दिखाई कहां से देगा यार, एक्टिव ही नहीं हो सोशल मीडिया पे, नहीं घर में घुसे रहते हो बस, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे आके देखो क्रांति मची पड़ी है, वहां वहां एक से एक देशभक्त मिल जाएंगे आपको, समझे? नहीं, हम लोगों ने दिन रात एक करके धर्म से लेकर मर्म तक सब कुछ बदल के रख दिया सोशल मीडिया पे। अब सिर्फ बराबर टैक्स जमा करके या रेलगाड़ी में टिकट लेके यात्रा करने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता कि लाल बत्ती हुई रुक गए, हरी हुई चल दिए, है कोर्ट कचहरी की दीवार में पान की पीक नहीं थूकेंगे, सड़क पर कचरा नहीं फेंकेंगे, बिजली पानी के बिल की चोरी नहीं करेंगे। नहीं भैया, हम तो समय से दफ्तर जाएंगे, जायज काम को तुरंत करेंगे, नाजायज काम को नहीं करेंगे, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करेंगे। ये सब चोचले हैं, देशभक्ति नहीं है। तो मैंने कहा कि भैया तो फिर देशभक्ति क्या है? अरे बोले जरा सोशल मीडिया पे आओ यार, लाइक डिसलाइक ठोको, समर्थन विरोध करो, थोड़ा गाली गुप्तार करो, आंदोलन का हिस्सा बनो, अपने राष्ट्र प्रेम का सबूत दो, तब तुम देशभक्त कहलाओगे। बैठे ये जो बदलाव है ना, ये ठेले पे बिकने वाली मूंगफली नहीं है, गाठन नींदी और हटा लिया। बदलाव के लिए ऐसी तैसी करनी पड़ती है और करवानी भी पड़ती है, वरना कोई मतलब नहीं है आपके इस स्मार्टफोन का। और भाई साहब, हम आपको बाहर निकल के मोर्चा निकालने के लिए नहीं कह रहे हैं, वहां खतरा है, आप पिट भी सकते हैं। ये काम आप यार घर बैठे कर सकते हो। अभी हम लोगों ने इतनी बड़ी रैली निकाली, इतनी बड़ी रैली निकाली कि तंत्र की नींवें हिल गई, कि लाखों लाख लोग थे और हाई कमान को बयान देना पड़ा। मैंने कहा ये सब कहां हुआ? बोले सोशल मीडिया पे यार। इतनी बड़ी थूथू रैली थी, इतनी बड़ी थूथू रैली थी कि उनको बदलना पड़ा। मैंने कहा लेकिन ये सब बदलाव हवा में है यार, हकीकत तो वही है भाई साहब, पहले के जैसी। वे बिफर गए, बोले हकीकत की ऐसी की तैसी, हवा बदलो, हवा हवा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं तो ये क्यों कहा जाता कि उसकी हवा बंद हो गई, उसकी हवा खिसक गई, उसकी हवा टाइट कर दी, उसकी हवा है, हवा में मत उड़ो, हवा खिलाफ है, हवा निकल गई, हवा बदल गई। बिना रोटी पानी के रह सकते हो? बिना हवा के 3 मिनट रह के बताओ तो जाना है। हवा बंद हो जाए तो सब हकीकत धरी रह जाएगी, बड़े आए हकीकत वाले। हवा बदलो, हवा, नहीं तो पहले भी पिट रहे थे, आगे भी पिटते रहोगे। मैंने कहा भाई साहब, सभी देश को बदलने में लग गए तो फिर इसे बनाएगा कौन? कुछ मेरे जैसे बनाने वाले भी तो चाहिए। वे उखाड़ गए, बोले क्या उखाड़ लोगे यार तुम, वो क्या उखाड़ लिया उन लोगों ने जो तुमसे पहले बनाने में लगे थे, है? ये बदलाव की हवा है, तुम बनाओगे, बदल देंगे, हमें निर्माण नहीं बदलाव चाहिए। चुपचाप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ, नहीं तो जितने भी ग्रुप में हो रिमूव करवा देंगे, थूथू होगी वो अलग। और उन्होंने मुझे एक भद्दी सी गाली दी कि इंटरनेट का उपयोग न करने वाले कपटी, लानत है तेरे स्मार्टफोन पर डैम फूल, बदलाव का विरोध करने वाले अक्रांतिकारी जल कुकड़े। और वे हवा के एक तेज झोंके की तरह चले गए। मैं किम करता विमूढ़ सा खड़ा सोचता रहा कि देश चलता नहीं, मचलता है। देश चलता नहीं, मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता, सिर्फ उछलता है। और जंग मैदान पे नहीं, सोशल मीडिया पे जारी है। आज तेरी तो कल मेरी बारी है। इसमें थोड़ा थोड़ा अंश सबके सच का होगा। जी बिल्कुल, ये मेरा ही सच है और मैं ये कहूंगा, क्योंकि ये जब जैसा कि आपने कहा, तो अब इसको लिख के हम साहित्यकार की श्रेणी में आ गए। नहीं अच्छा, कहना गलत है क्या? कहने का मतलब ये है कि ये एक विचार हो सकता है, क्योंकि हमारे हाथ में आज की तारीख में हमारे जितने भी संघर्ष हैं वो 6x3 इंच की भूमि पर लड़े जा रहे हैं। जितने भी युद्धों के परिणाम हैं वो इस 6x3 इंच की भूमि पर युद्ध किए जाते हैं, उसी में परिणाम हो जाते हैं, उसी में विजेता घोषित कर दिए जाते हैं, उसी में हम और आप दुनिया के देश के सिकंदर से भी ज्यादा महान व्यक्तियों के रूप में मंडित हो जाते हैं, या हम सत्कारे जाते हैं, या हम पुचकारे जाते हैं, या हम धिक्कारे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो बयार हमने और आपने साहित्य के नाम पर धिक्कार की शुरू की है, मुझे लगता है कि ये हमारा जो सबसे बड़ी ताकत है, तो ये सत्कार की ताकत है।
तो अगर इस अस्त्र का इस्तेमाल हम और आप सत्कार के लिए करने लगेंगे तो विश्वास कीजिए जो साहित्य साहित्य का मूल काम होता है कहीं ना कहीं इंसान को गढ़ना, और जब इंसान गढ़ जाता है तो विश्वास कीजिए विश्व अपने आप गठित हो जाता है। क्योंकि मैं जब छोटा था जी, तो मेरी माँ मुझसे कहा करती थी कि बेटा अगर तुम भाषा का स्वरूप बिगाड़ोगे तो विश्वास करना भाषा तुम्हारा स्वरूप बिगाड़ देगी, और अगर तुम भाषा को उसकी गरिमा दोगे तो भाषा तुमको तुम्हारी गरिमा देगी, उसकी गरिमा देगी। और मेरे साथ तो ये चरितार्थ हुआ, क्योंकि आशुतोष राणा अभिनेता के रूप में भले ही आप पसंद नापसंद करें, लेकिन हिंदी प्रेम और हिंदी भाषा के अच्छे स्पष्ट उच्चारण के लिए आप और हम सब मेरी पीठ ठोकते हैं। तो मुझे तो लगा कि मैंने अपनी माँ यानी अपनी माताजी की बात मानी, और अपनी माँ जो मेरी मातृभाषा है, जो मेरे लिए मातृभाषा नहीं है, ये मेरी मातृभाषा है, मैंने इसको अपनी गरिमा प्रदान की तो इसने पूरी की पूरी गरिमा उठाकर मुझे दे दी। तो मेरा तो ये मानना है कि जो हम और आप कहते हैं, भाषा इतनी शानदार चीज होती है कि ये हमें बताती है कि असहमति और विरोध में अंतर होता है। असहमति विचारों से होती है, विरोध व्यक्ति का होता है, और हम जाने अनजाने पता नहीं कब विचारों का विरोध करते करते व्यक्ति से असहमत हो जाते हैं, और कभी कभी हम व्यक्ति से असहमत होते हैं और विचारों का विरोध करने लगते हैं। तो विश्वास कीजिए अगर मेरी और आपकी वैचारिक असहमति है तो इसका ये संबंध बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपका विरोधी हूं। तो शिष्टतापूर्वक की गई असहमति अधिक कल्याणकारी होती है अशिष्ट सहमति के, कि कोई व्यक्ति आपसे अशिष्ट होकर सहमत हो कि ठीक तो है यार, बहुत बढ़िया बोले यार, तो भैया ऐसी सहमति से कहीं अधिक कल्याणकारी एक शिष्ट असहमति है कि भाई साहब मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। और उसमें ये तथ्य हैं मेरे पास, क्योंकि क्या होता है कि हम अक्सर तथ्यों के ऊपर संघर्ष करते हैं, और साहित्य जो होता है वो तथ्यों का पुलिंदा नहीं है, वो सत्य का महाकाव्य होता है। और तथ्य जो होते हैं उनसे पैदा होता है तर्क, तर्क यानी तथ्यों का अर्क, अर्क यानी एसेंस, एसेंस ऑफ योर लॉजिक, दैट इज तर्क। तो तर्क जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो, तथ्य जरूरी नहीं है कि वह सत्य हो, लेकिन यह जरूरी है कि हर सत्य का अपना एक तथ्य होता है। तो हम तो सत्य के आग्रही व्यक्ति हैं और इस वजह से भाषा के मुरीद हैं। लेकिन अपनी भाषा और साहित्य की अपनी परिभाषा के बीच आप जो विचारों का पुलिंदा रख देते हैं ना, वो भी सोशल मीडिया नहीं उसके आगे की क्रांति की परिचायक है। एक मैं फरमाइश आपसे करना चाहूंगी, आप एक बहुत अच्छे से एक कविता पढ़ते हैं, हे भारत के राम उठो मैं तुम्हें जगाने आया हूं। मैं उस कविता को निश्चित रूप से पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, बुद्ध हो, गांधी हो, राणा प्रताप हो, रानी पद्मिनी हो, या खप्पर वाली काली हो, ये व्यक्ति के रूप में जन्म इन्होंने लिया, अपने कर्म के माध्यम से ये व्यक्तित्व बने, और फिर अपने उस दुर्धर्ष चरित्र के कारण ये आज हमारे और आपके बीच में विचार बन के प्रतिष्ठित हो गए हैं। तो इस वजह से ये कालजयी हो गए हैं। राम जितने प्रासंगिक तब थे, कृष्ण जितने प्रासंगिक तब थे, गांधी जितने प्रासंगिक तब थे, वे उतने ही प्रासंगिक आज भी हैं और आने वाली सदियों तक रहेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है। तो मैं आप में और हम में सब में निहित प्रतिष्ठित उन राम, कृष्ण, गांधी, चाणक्य, सेल्यूकस को कसने वाले चंद्रगुप्त, इन सब का मैं आह्वान करना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि आज तक के इस मंच के माध्यम से अगर मेरे इस आह्वान से आप में प्रतिष्ठित ये तमाम दिव्य व्यक्तित्व जो कालजयी युग पुरुष हुए हैं, अगर वो खड़े हो गए, तो विश्वास कीजिए कि राष्ट्र की भाषा परिभाषा दृश्य परिदृश्य बदलते, मुझे लगता है कि हम जो जितने भी लोग हैं, हमारा जीवन हमारे बच्चों के लिए या तो चेतावनी बन सकता है या मिसाल। ठीक, हमारे पास यही एक तरीका है, जरिया है कि हम अपने बच्चों को ये बात बता सकें कि तुमसे पहले हम क्यों आए थे। ये बड़ी गहरी बात है, ये मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि ताली नहीं बज रही, क्योंकि जब भी ताली बजती है तो विश्वास कीजिए विचार हवा में उड़ जाता है और उन्माद हमारे ऊपर हावी हो जाता है।
तो ये विचार आपके हैं, तो हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं। और सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोई सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। और बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के कंकड़ पहने हैं वे राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निबंध के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाड़ले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा। रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी, और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। और रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। और कौरव शेष ना एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, और चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष परुष महान जगे। सेल्यू कस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे, हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी ना जाना। और जगे पद्मनी का जौहर, जागे केसरिया बाना, देशभक्त का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना। और वह प्रताप आपका सिंह जगे, वह हल्दी घाटी का राणा, दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाह जी का ताजा। मरने की हट्ठा ना करते विकट मराठों के राजा, छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपान जगे। और दो दिन जिया शेर के माफिक, वो टीपू सुल्तान जगे। और कनवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। और जिसकी छोटी सी लखटी से संगी ने भी हार गई, कौन? गांधी। कि जिसकी छोटी सी लखटी से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जीता वे फौजें सात समुंदर पार गईं। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लखटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया, उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की आन जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। कि क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। अब हमने क्या किया, पीयूष भाई प्रणाम करता हूं आपको, आपसे ही प्रेरणा मिल रही है मुझे। आप देख रहे हैं पीयूष भाई मेरे सीनियर हैं, पीयूष मिश्रा। और सीनियर ही नहीं है, मुझे प्रेम करने वाले मेरे ऐसे कम सीनियर होते हैं। सीनियर अक्सर जूनियरों को बहू के जैसा ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन हमको इन्होंने माँ के जैसा बर्ताव किया। तो क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह शुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। और आज बंधा फिर कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ, चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ। और जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना, ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत जूते 5,000 अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। संतन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, और फिर चाहे पेकिंग वाला हो या रावल पिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आया, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। सिर्फ रोंगटे नहीं खड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि सब उठ गए हैं, सब जग गए हैं। और उसी का उसी से देखिए, अभी अभी भी लोग हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, अभी भी उसे महसूस कर रहे हैं आपकी सारी बातों को। हमारे तो जीवन की यही कमाई है, क्योंकि
जीवन की यही कमाई होती कि अगर हमारा कोई कर्म, हमारा कोई विचार यदि आपके जीवन का हिस्सा बन जाए तो विश्वास कीजिए हमारे होने और नहीं होने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि जब तक आप रहेंगे फिर तब तक हम रहेंगे। तो अगर आपने अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में हमें स्थान दिया है तो ये सबसे बड़ी कृपा है परमात्मा की कि आपको लोग आपके कर्म के माध्यम से अपने दिल और दिमाग में बिठा लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार आप सबका, ऐसी कृपा बनाए रखना इस अकिंचन पर। अच्छा ये बताइए, जरा सा मैं अलग हट रही हूँ इससे, मैंने पढ़ा कहीं कि आप रामायण में हिस्सा लेते थे लेकिन आप रावण बनना चाहते थे हमेशा, क्यों? जी, उस समय रावण बनने के लिए उम्र ने साथ नहीं दिया, हम छोटे थे तो लोगों ने हमसे, जो बड़े लोग रामलीला करते थे, कहते तुम रावण बनने के लायक नहीं हो। अब रावण बनने लायक हो गए? अब जब रावण बनने लायक हैं तो कोई रावण बनाने तैयार नहीं है। हम हिंदी की ओर वापस लौटते हैं जी, और हिंदी की ओर लौटते हुए ये एक प्रश्न मन में इसीलिए उठता है क्योंकि इसका सामना मुझे लगता है हर हिंदी भाषी को करना पड़ता है। अपने ही देश में जब आप कहीं निकलते हैं, कहीं ऐसी महफिल में पहुंचते हैं जहां अंग्रेजी ना रहेंगे, जहां आपकी हिंदी से आपके स्तर को आंका जाएगा, ये सामना आपको करना पड़ा कभी, और उस मौके पर आपने किया क्या? देखिए, मेरा ये मानना है कि इंसान के चरित्र का मूल्यांकन उसकी भाषा से होता है। तो अगर आप फर्राटेदार हिंदी बोल रहे हैं तो विश्वास कीजिए फर्राटेदार अंग्रेजी वाला व्यक्ति, उसको अंग्रेजी बोलने दीजिए। आप उससे बिल्कुल ये मत करिए कि आई बैग योर पर्डन, प्लीज कम अगेन, ठीक है? और उससे भी साथ में प्रार्थना कीजिए कि वो आपसे ना कहे कि मैं क्षमा चाहता हूं परमात्मा, आप बोल क्या रहे हैं, आप दोबारा। तो आप अपने हिंदी में संभाषण करें और उनको अंग्रेजी में बोलने दीजिए, क्योंकि ये है क्या, शब्द ही तो हैं। हम और आप शब्दों से बात नहीं करते हैं, जो शब्दों के बीच सन्नाटे होते हैं असली बात उन सन्नाटों में छिपी होती है। तो हम और आप कहीं ना कहीं, अब जैसे मान लीजिए सब जानवर पालते हैं, हम और आप पालते हैं, कुत्ता पाला होगा तो कुत्ता क्या अंग्रेजी समझता है कि टॉमी कम, लेकिन वो आ जाता है। अपन कहते टॉमी गो, लेकिन वो चला जाता है, सिट बैठ जाता है। तो अगर उससे तुम कह दो कि टॉमी इधर आओ तो भी वो आएगा, ठीक है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे हम हो या परमात्मा की बनाई हुई पूरी सृष्टि में कोई भी चर अचर हो, हम और आप शब्दों के नहीं, सन्नाटों के स्वर को पहचानते हैं, स्नेह के स्वर को पहचानते हैं, भाव के स्वर को पहचानते हैं। तो हमारा आपका जो संबंध होता है वो भावात्मक संबंध होता है और ये एक तरंग है। तो इसलिए भाषा मेरे लिए कभी भी ये नहीं रही कि भाषा की वजह से मैं ये माना जाऊं कि अगर आप अंग्रेजी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं तो आप बहुत बड़े और सफल आदमी हैं। हाँ, इतना जरूर होता है कि चूंकि अंग्रेजी का संबंध धन से है और ये एक आज के दौर में बड़ा चलता है कि जब भी कभी हम 100 सफल लोगों के नाम डालते हैं तो हम देखते हैं कि उनका हमें फाइनेंशियल स्टेटस पढ़ने के लिए मिलता है, तो हम बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि सफल होने के लिए प्रतिभा की नहीं पैसे की जरूरत है भैया, तो पैसा कमाओ। और अगर पैसा अंग्रेजी में बोल के कमाया जा रहा है तो किसी भी तरीके से आप अंग्रेजी बोल लीजिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में बोला गया क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आती जिनसे आप बोल रहे हैं, पूरी उनको भी समझ में नहीं आती और पूरी आपको भी समझ में नहीं आती। तो दो लोग एक दूसरे के साथ मतलब आई बैक टू से आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो यू काइंडली गिव मी 5 डेज लीव, ओके 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 कम ऑन, ये सब चल रहे हैं, विचार विनिमय है। तो मैं इस धुंध में, इस द्वंद में कभी भी नहीं पड़ा और मेरा ये मानना था कि जिस भाषा में मैं सहज रहता हूं उस भाषा में मैं अपने लोगों से संपर्क और संबंध स्थापित करूंगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमारी सहजता काम करती है कि अगर आपको मैं तब याद रह जाऊंगा या आप मुझे तब याद रह जाएंगी जब हम और आप एक दूसरे के बीच में सहजता का सेतु स्थापित कर लें। तो सहजता भावों की अभिव्यक्ति की जिस भाषा में हो उस भाषा में बोलिए। विश्वास कीजिए भारत तो हमारा इतना आनंददायक देश है, इतना आनंददायक देश है कि यहां पर किलोमीटरों गहरे गड्ढे भी हैं तो किलोमीटरों ऊंचे पहाड़ भी हैं। अगर आप देखें तो यहां पे एक सूखा हुआ रेगिस्तान भी है तो लहलहाता हुआ समुंदर भी है।
एक तरफ इसी देश की जलवायु को अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि एक प्रांत के देश के एक हिस्से में भीषण कड़कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है और दूसरे में पंखा और एसी चला के हमको सोना पड़ रहा होता है। एक जगह पता लगा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए पैसा जा रहा होता है तो दूसरी तरफ सूखा पीड़ितों के लिए पैसा आ रहा होता है। तो जब हम इतनी विविधता के लोग हैं, हम इतने आनंददायक लोग हैं कि बंगाल से बंगाली रसगुल्ला चलता है और पूरे देश का स्वाद बन जाता है, पंजाब से राजमा चलता है और पूरे देश का स्वाद बन जाता है, इडली डोसा साउथ से चलता है और पूरे देश का स्वाद बन जाता है। तो जब हमारे हम और आप स्वाद तक के स्तर पर जुड़े हुए हैं, हम और आप विविधता के पुजारी हैं, तो फिर उसको एक रास्ता में पलटने वाली बात कि साहब ये जो बगीचा था जिसमें गुलाब भी था, मोगरा भी था, रात रानी भी थी, आम भी थे, इमली भी थे, तो उसको सिर्फ गुलाब का गुलिस्तान बनाने की फिराक वाले व्यक्तियों में से मैं नहीं हूं। मेरा यह मानना है कि गुलाब की अपनी खूबसूरती है भैया और चमेली की अपनी सुंदरता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विविधता को हम दरअसल साहित्य के इस मंच पर भी बनाना चाहते हैं, इसीलिए सवेरे से हमने अलग अलग क्षेत्र के लोगों को, अलग अलग वर्ग के लोगों को, अलग अलग भाषा के लोगों को इसी मंच पर जगह दी है। साहित्य की परिभाषा सबकी एक ही निकली है। बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता। शुक्रिया आशुतोष आपका। मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राज चिंगप्पा को, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया टुडे पब्लिशिंग। वो आपको एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे साहित्य आज तक कार्यक्रम की तरफ से। जोरदार तालियों के साथ उत्साह वर्धन करें एक बार फिर सभा का।